गुड आफ्टरनून एवरी वन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल इंक्लूडिंग दिस पर्सन. हैप्पी रक्षाबंधन निदा. तो देखिए कितना सुंदर सा चेहरा है इसका बिना नहाए धोए भी. और आज क्योंकि जो राखी का मुहूर्त है वो रात के 9 बजे से लेके है अकॉर्डिंग टू मेरे घर वालों ने मुझे बताया है और भैया ने भी बताया है. तो मैं राखी इसे शाम को ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने बात की थी घर में कि भाई कि एक पंडित जी उन्होंने कहा है कि सुबह भी लगा सकते हैं राखी, बट घर वालों ने कहा कि नहीं रात को ही लगाया नहीं है तो 9 बजे लगा देना. तो फिर इस करके अभी ना हम नहाए धोए हैं, हम सुबह से लेके बिस्तर में पड़े हुए हैं. मैं तो नहाई हूं शक्ल से पता लग रहा है. हाँ तो फिर हम लोगों ने अभी मैंने राखी भी नहीं ली है, मैंने राखी लेने जाना है फिलहाल तो. और मिठाई भी लेकर आऊंगी. तूने वीडियो बनाने के लिए की है? हाँ. और मैंने अभी बाल भी अपने सेट इसके लिए किए स्पेशल वीडियो बनाने के लिए. मैं सुबह से लेके गीजर ऑन रखा, जैसे मुझे पता लगा कि मॉर्निंग में भी कर सकते हैं तो मैंने घर को कॉल किया और बोला कि भाई मैंने लगानी है राखी और नहा धो के मैंने फ्री हो जाना था, बट उन्होंने कहा नहीं रात को ही मनानी. तो फिर मैंने वो रहने दिया अपना प्रोग्राम करना. अब देखूंगी लंच करने के बाद जाऊंगी और दीदी और मेरी लिए चढ़ेगी, हम कहीं बाहर गए भी नहीं. चल तो ठीक है, आपको बाद का देते हैं थोड़ा सा रिव्यू देंगे. चैलेंज कर तो राखी से पहले दिन ही राखी का शगुन मिल गया. हाँ भैया ने हमें शगुन दिया था राखी का. इतना तो शादी में चंदा नहीं देते तो हमारा भाई तरक्की करे अच्छे से जॉब लगाए इसलिए हमें इतने इतने वो गिफ्ट्स. बेस्ट विशेस फॉर और क्या बोल सकते हैं. कैश 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 दे. दीदी सीख भैया से कुछ इस आज इस लड़की का भी गूगल पे अकाउंट पे नहाए तालियां बहुत टाइम बाद फाइनली. और मैंने इसका सारा पैसा इसे ट्रांसफर कर दिया है, अब ये मुझे वापस देगी सारा पैसा. सब बड़ी लोग सोचेंगे लाख दो लाख है. हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब नहाए धोएंगे और राखी लेके आएंगे. तकरीबन तो भी शाम के 3:15 हो चुके हैं और चलिए अब आउटिंग जाते हैं, सामान लेके आते हैं और उसके बाद रेस्ट करना है, थोड़ा सा काम भी करना है. दीदी रेस्ट कर रही है तो शायद ये तो नहीं अब उठेगी, तो मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ उसके बाद बाहर से लेके आएंगे हम राखी. वैसे अभी दीदी सोई तो मैं बता दूँ कि मैंने इसके लिए राखी लेके रखी, बट मैंने इसे ऐसे बोला कि दीदी राखी अच्छी नहीं थी तो मैंने तेरे लिए लेनी है. तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी भी 3 घंटे रहते हैं राखी लगाने के लिए हमें. बाकी मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों ने तो राखियाँ लगा भी ली है. छोटे बच्चों ये घूम रहा है ना, इसका नाम करण है, तो इन्होंने राखियाँ लगा ली है. करण राखी दिखा वाला, ये देखो इसने राखी लगा दी है. कहता सुबह के 9 बजे से 9:30 तक टाइम था. और ये है महानाग जी का मंदिर जो कि हमारे हॉस्टल के बिल्कुल साथ में ही है. चलो यार आपको व्यू दिखा लेते हैं और एक बहुत हसीन सा व्यू मेरी बालकनी में है. यहाँ पे हमारे पास लिलीज भी है, हमें भैया ने गिफ्ट किया था हॉस्पिटल में. देखो कितना सुंदर से, बट मुझे इससे एलर्जी हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी तो इसलिए हमने इसे बालकनी में ला लिया है. क्रिस भैया ने और बहुत सारे लोगों ने जानती भी हो गई क्रिस ठाकुर जो है सोशल एक्टिविस्ट है, मतलब वो बाकी शायद ABVP के भी कुछ रहे हैं उसमें वो, और सोशली काफ़ी एक्टिव है वो, हमेशा मदद के लिए आगे रहते. तो वो भैया को थैंक यू. और आपको एक और चीज़ बताओ तो मैं गई थी बाहर 4 बजे के करीब, 4:15 बजे और बहुत ज़्यादा जाम था, बारिश में फटाफट गई, अकेली थी एक तो गई और वापस आई. तो मैं लेके आई दीदी के लिए, मुझे लगा चॉकलेट्स क्या खानी, वो तो हम नॉर्मल भी ले लेते हैं. तो आज अच्छा ओकेजन है तो फिर मैं दीदी के लिए सोन पापड़ी लेके आई, ये वाला डब्बा. ठीक है ये था पहले 75 रुपीज़ का परसों चौथे तक, और मुझे लगा कि रहने दो मैं बाद में ले आऊँगी, तो मैंने उस दिन ही लिया. और अभी 90 रुपीज़ का हो चुका है, कैन यू इमेजिन दिस, इतना सा डब्बा 90 रुपीज़ का हो गया. और मैंने दीदी के लिए राखी पहले से ली थी और मुझे अपने लिए भी इतनी प्रिटी सी राखी मिली ना, मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी. और इसी के साथ अब हमारा प्रेयर का टाइम हो गया तो हम प्रेयर करने चलते. वैसे मैंने आपको बताया था हॉस्टल में कोई नहीं दीदी और मैं ही है, तो चलिए हम आते अपना प्रेयर करके.
करती हूँ। अभी ना शाम के 6:30 हो गए हैं, और जिस टाइम मैं राजस्थान पे थी अपनी इंटर्नशिप ड्यूटी पे, तो वहाँ पे एक मैस वाले भैया थे, तो वो बहुत अच्छे थे। और अभी उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे राखी विश किया और बोला कि भाई उन्हें ऐसा फील हुआ कि मैं उन्हें दिल से भैया बोला था, कहीं मुंह पे तो बोलते हैं लेकिन दिल से मानना था भैया, तो फिर करके उन्होंने मेरे नाम की राखी खुद ली है वहाँ पे। और साथ में वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका क्या यही नंबर है, तो वो मुझे राखी की मिठाई भेजेंगे, इन द सेंस कि वो मुझे शायद जी पे करते राखी का गिफ्ट बोल के। और वो ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब सही में अगर किसी को अच्छे से हम ट्रीट करें, किसी से अपना बिहेवियर अच्छा रखें, तो वो सामने वाला भी क्या फील करता है ना, वो इन टाइम पे पता लगता है कि हाँ, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते इस टाइम इतनी खुशी हो रही है ना वो सोच के, और बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, स्पीचलेस, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही मुझे इस टाइम पे कि हाँ, और मतलब इतना वो बड़ा दर्जा या इतना ज़्यादा मान सम्मान बोल सकती हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे दिया, थैंक यू सो मच भैया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती क्या बोलूँ मैं, मतलब दिल से शुक्रिया उन भैया का। उनकी दीदी बाहर बालकनी में घूम रही है, दिख रहा है आपको, देखो देख लिया ना, बाकी ज़्यादा गंद नहीं दिखाते रूम की। ओके बाय। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और 9 बज गए हैं, तो चलिए पहले तो हम थाली प्रिपेयर करते हैं, अभी तक टाइम नहीं मिला थाली प्रिपेयर करने का, और पीछे वाले को इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करती हूँ मैं, पीछे वाले बैकग्राउंड पर इग्नोर करते हुए। दीदी को खिलाएंगे सोन पापड़ी, इसको भी म्यूज़िक चलाना, जब किसे पता कॉपीराइट बच जाता है वीडियोज़ में गाने का। तो धूप याद नहीं था, माचिस मैं अपनी जूनियर्स लेके आई हूँ, थैंक यू नंदिनी, अगर आप मेरा ब्लॉग देखो तो रिप्लाई कर देना वेलकम करके। तो छोटा सा धूप, ये हो गया धूप, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कुमकुम है, होना तो चाहिए, मतलब मेरी राखी आई विल शो। यार ये धूप नहीं है, ये विभूति है। यार दीदी अंदर था कुमकुम, देखना प्लीज। मैं देखा प्यारी बहना मेरी, यार जब चीज़ होती है ना तभी नहीं मिलती है, पता है। तो मैंने एक कहा था ना, मुझे याद है कुमकुम है, तो ये देखिए था हमारे पास कुमकुम। ये थोड़े से मुझे चावल मिले हैं, तो हम चावल को यहाँ रखेंगे। अच्छा फूल भी चाहिए होते हैं ना, फूल नहीं है अभी, फूलों को रहने देते हैं, वैसे भी आधी रात हो चुकी है, 9 बजे का टाइम है। ये वाला टीके का रंग ऐसी बहुत अच्छे, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। फूल तो असली फूल तो नहीं है मेरे पास, और आधी रात में लाऊंगी कहाँ से, बट मेरे पास गुलदस्ता है पूरा नकली फूलों का, शोपीस के लिए रख सकती हूँ मैं इसे, तो अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे खोल दूंगी। आज मैंने खुद के लिए राखी लिया, दीदी के लिए एक्चुअली मैंने पहले से ली थी, बट मैं ये ढूंढे ना मेरे पास, इसलिए मैंने इसको दिखा नहीं था, ये तेरी है। तो ये देखिए ये वाली राखी मैंने अपने लिए, क्योंकि बहुत पतली सी और लेती है, इसको यही लगता है यार, मैं हमेशा अपने लिए अच्छी लेती हूँ, बट लास्ट में ना इसकी वाली अच्छी नहीं करती है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने इसलिए इतनी प्रीटी सी ली थी ना, मुझे इतनी पसंद है, उससे पहले सबसे अच्छी मेरे को एंग्री वर्ड वाली लगी। इस बार मैं तो कुछ मोटू पतलू ले आती शायद, क्यों लाया तूने मोटू पतलू, इस बार मैं इसके ऊपर छोड़ रहा है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल राखी, नजर वाली, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है तो इसे नजर ना लगे, इसलिए मैंने नजर वाली राखी ली है इस बार। फालतू के ज़्यादा ड्रामे नहीं करते हुए 1 रुपये का सिक्का, क्योंकि शगुन के लिए होता है बोलते हैं, इसलिए। तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ, और जो इसका आसपास का सारा सामान है इसे कृपया करके इग्नोर करें, क्योंकि मेरा जो स्टडी टेबल है वो बहुत कबाड़ है। ये जो मेरी मिठाई है वो टूट चुकी है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। और ये राखी है ये दीदी के लिए है, ये अपने लिए छोटू सी, और ये है देखिए ये धूप अभी मैं जलाऊंगी, थोड़ा सा टीका है, 1 रुपये का सिक्का है शगुन के लिए, और ये नकली फूल है क्योंकि असली वाले नहीं थे, और रात में ये फूल तोड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ओए मेरे को दुपट्टा, क्या दुपट्टा तो दो,
कपड़े पहन लेती अच्छे तो अच्छा लगता। तो गाइस ये मेरे कपड़े हैं देख सकते हो आप जो कि घर के हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं हमारे पास मिला। तो गाइस आधी रात है और 10 बजने लग गए हैं, तो ज़्यादा ड्रामे नहीं करते हैं ना, सिर्फ कोई बाल ठीक करती हूँ रुको एक साइड, ऐसे बाल के इस सर पे ओढ़नी लिया, इनको डालो पीछे। मेरा इतना दिमाग इतना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये हो गया तो हम दीदी क्या पूजा करेंगे, चलिए तो दोस्तों चलते हैं। हाँ हम दोनों आ रहे, कितने खूबसूरत आ रहे हो हम तो क्या यार कितनी गंदी है ये, फोटो यार एक मिनट मुझे कैमरा सेट करने दो, कैमरा सुंदर है चलिए देख। तू नहीं आ रही है नीचे से शॉर्ट्स ऊपर से दुपट्टा यार इतना क्या कर रही है फोन में मत बांध और पापा जी क्या कर रहे हो ये घर में हम कंफर्म कर रहे हैं कि राखी कौन से हाथ में पहनते हैं दो लाइक बात सुलटे में संसार मिले मेरा ऐसे ही प्यार मिले और मुझे बहुत सारा पैसा मिले, कुछ पैसे नहीं मैंने तुझे 10 रुपए दूंगी ठीक है 10 रुपए दे दे कोई चक्कर नहीं, 10 रुपए से मेरा एक्समोस आ जाएगा हॉस्पिटल के अंदर। गिफ्ट राखी के साथ हमने राखी लगा ली है, मुझे गिफ्ट मिल गया है। दीदा राखी कैसी लगी? बहुत अच्छी है, मुझे अपनी भी राखी अच्छी लगी जो मैंने अपने लिए ली है। और टाइम हो गया है 9:30 हो गए, तो अब हम सो जाते हैं क्योंकि सुबह हमें उठना है और काम करना है। सभी को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन, और शीता ब्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहें।